हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज हम देखेंगे नंबर सीरीज़ जो कि आरआरबी क्लर्क स्पेशल मैंने डिज़ाइन की हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखें, करंट सिनेरियो देखें, अगर बात करें आईबीपीएस पीओ प्री की, या फिर बात करें हम आरआरबी पीओ प्री की, ठीक है ना, तो दोनों में ही जो तीन सीरीज़, और मैं आपको बोलता भी आ रहा हूँ, अगर आपने मेरा नंबर सीरीज़ का कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, नंबर सीरीज़ का कंसेप्ट वाला वीडियो जो कि चैनल पे अपलोड है, तो वो आप देख लें, ठीक है। उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलेंगी, ठीक है ना। तो उसमें भी मैंने तीन सीरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोला है कि ये जो तीन सीरीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। आपको इन सीरीज़ के ही क्वेश्चन देखने मिलते हैं, नंबर सीरीज़ के जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है। तो हम बात करें, हम तीन सीरीज़ पढ़ेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, नंबर सीरीज़ पांचों क्वेश्चन कर पाएंगे जो कि क्लर्क में पूछे जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट में। और फर्स्ट शिफ्ट के बाद तो हमें सीरीज़ का पैटर्न पता चल जाता है, तो हम अपने चैनल पे वो अपलोड कर देते हैं, जिससे कि जो जिन स्टूडेंट का पेपर उसके बाद होता है तो उनके लिए बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करें तीन सीरीज़ की, तो तीन सीरीज़ इंपॉर्टेंट, डिफरेंस सीरीज़, मल्टीप्लिकेशन और अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। डिफरेंस सीरीज़ में जो सीरीज़ अभी पूछी जा रही है, पहली बात करें फर्स्ट डिफरेंस की, फर्स्ट डिफरेंस आपको समझ में आएगा अगर आपने वीडियो देखा हो, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको। फर्स्ट डिफरेंस की बात करें, ठीक है, डिफरेंस पे डिफरेंस का मतलब सेकेंड डिफरेंस, ठीक है। तो या तो फर्स्ट डिफरेंस में लॉजिक समझ में आ जाएगा, या फिर सेकंड डिफरेंस में लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट जो डिफरेंस निकालेंगे ना, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस पे या तो आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, या फिर क्यू के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है डिफरेंस सीरीज़ की। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी होती है जो कि प्री में पूछी नहीं जाती, उसके लिए उसको मेंस में पूछा जाता है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा इसमें, बट आपको प्री में नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में एक होती है हाफ पैटर्न सीरीज़, ठीक है, एक होती है फुल पैटर्न सीरीज़ जिसको वन का मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, और एक होती है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये देखने में आई है, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो एक बार पहले आधे का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एक का होगा, फिर दो का होगा, फिर चार का होगा, फिर आठ का होगा, इस टाइप से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक का हो, ठीक है, डेढ़ का हो, दो का हो, ढाई का हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखेंगे दो टाइप की सीरीज़ मल्टीप्लिकेशन में। अल्टरनेट सीरीज़ की बात करें तो कोई सीरीज़ अगर पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, ठीक है, फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, मतलब अल्टरनेट इंक्रीज़ डिक्रीज़, या फिर डिक्रीज़ इंक्रीज़ हो, तो वो सीरीज़ अल्टरनेट सीरीज़ हो। तो ये तीन सीरीज़ की बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंस सीरीज़ से। फर्स्ट देख रहे हैं डिफरेंस सीरीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है डिफरेंस सीरीज़ आपको कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। तो जहाँ भी सीरीज़ में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो है कम कम हो रहा हो, ठीक है, कम कम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देखने मिले, ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंस सीरीज़ लगानी है। दूसरी बात जब आपका मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक जो है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का जो लॉजिक है वो फेल हो जाए मतलब गलत हो जाए, तो भी आप डिफरेंस सीरीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जंगे तो आपको याद ही रखना है कि यहाँ इन दो जंगे डिफरेंस सीरीज़ ही आपको यूज़ करना है। तो हम देख रहे हैं आप सबसे पहला क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तीन क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस सीरीज़ का ही सेकेंड टाइप देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 8, 14, 24, 38, 56 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब डिफरेंस की बात करें तो +8, 14, +10, 24, ठीक है, यहाँ से करेंगे आप +14, तो 24 + 14 = 38 एंड 38 + 18 = 56, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट डिफरेंस की, फर्स्ट डिफरेंस में अगर आप देखें +4 करने पर 10 आ रहा है, ठीक है, +4 करने पर 14 आ रहा है, +4 करने पर 18 आ रहा है, ठीक है। तो 18 में +4 करेंगे तो आपको 22 मिलेगा, ये आप ऐड कर देंगे 56 में, ठीक है, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 78। तो फर्स्ट डिफरेंस पे ही आपको समझ में आ गया है +4 + +4 हो रहा है, देन 78 आ रहा है। तो ये था डिफरेंस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखें आप 5, 7, 13, 25, 45, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, +2, ठीक है। अगर आप इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा देखने नहीं मिला, तो डिफरेंस सीरीज इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। +2 हुआ, +6 हुआ, +12 हुआ, ठीक है, +20 हुआ, ठीक है। और हम बात करें +2, +6, ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है,
ठीक है, देन प्लस सिक्स हो रहा है, ठीक है, देन प्लस एट हो रहा है, मतलब फोर सिक्स एट, तो अब क्या होगा, टेन, ठीक है, दो दो से हो रहा है इंक्रीमेंट, दो दो से प्लस टू, प्लस फोर, प्लस सिक्स, प्लस एट, तो प्लस टेन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 30, और 45 में 30 ऐड करेंगे तो यहाँ से 75 आ जाएगा। ये थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, आप चाहें तो कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो देख लें तो बहुत ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, 4, 5, 9, 18, 34, 59, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसमें आएगी आपके दिमाग में, क्योंकि सेकंड टर्म मैंने मल्टीप्लिकेशन जब बताया था, सेकंड टर्म में इंपॉर्टेंस होता है, फर्स्ट टर्म अगर सेकंड टर्म के नियर हो, वन के ईयर या हाफ के, तो यहाँ पे फुल पैटर्न सीरीज का कंसेप्ट आता है दिमाग में। ठीक है, तो फोर का मल्टीप्लिकेशन वन में करेंगे, प्लस वन करेंगे तो फाइव, फाइव का मल्टीप्लिकेशन टू में करेंगे, टेन माइनस वन नाइन, ठीक है, तो वन का हो रहा है, फिर टू का हो रहा है, तो थ्री का मल्टीप्लिकेशन अगर नाइन में करेंगे तो 27, जो कि 18 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना प्लस वन ना माइनस वन हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यहाँ पे आके आपका फेल हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक फेल हो जाए, यहाँ पे सेकंड चीज़ मैंने बताई थी, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक फेल होता है तो भी आप डिफरेंस सीरीज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देखें, वन, ठीक है, प्लस फोर, ठीक है, प्लस नाइन, ठीक है, प्लस सिक्सटीन, ठीक है, प्लस 25, ठीक है, तो 4 + 1 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 16 = 34, 34 + 25 = 59, ठीक है। तो अब अगर आप इस चीज़ को देखें ध्यान से, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें तो आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए। ये 1² है, ठीक है, ये 2² है 4, ये 3² है 9, ये 4² है 16, ये 5² है 25, तो अगला क्या होगा, 6² 6² क्या होगा, 36, तो 36 को आप ऐड करेंगे 59 में, ठीक है, 15 1 95, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था लॉजिक नंबर सीरीज की, ये थे 13 क्वेश्चन। अब और जो वैरायटी पूछी जा सकती है वो क्या पूछी जाती थी, ठीक है, तो ये डिफरेंस पे क्या था, स्क्वायर था, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं, अब देख रहे हैं डिफरेंस ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो है फर्स्ट टर्म के नियर है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक आप लगा के देखेंगे तो 1 times के नियर है, 2 times के नियर है, ठीक है, तो इसको 3 times के नियर होना था, ठीक है, और इसको 4 times के नियर, अगर 4 times करेंगे तो 160 आ जाएगा, और 160 और 105 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक तो यहाँ पे लगना ही नहीं। तो जब मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक फेल हो जाता है तो आप देख लें डिफरेंस, डिफरेंस की बात करें अगर, तो प्लस वन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हो रहा है प्लस एट, ठीक है, यहाँ से हो रहा है प्लस 27, ठीक है, यहाँ से हो रहा है प्लस 64, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस डिफरेंस की, ठीक है, तो इस डिफरेंस को आप अच्छी तरीके से देखें तो आपको समझ में आ रहा हो, ये क्यूब है, ठीक है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है, ठीक है, तो आगे क्या होगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होगा 125, इसको ऐड करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 230, ठीक है, तो डिफरेंस पे डिफरेंस मिले, ठीक है, या फिर फर्स्ट डिफरेंस पे आपको स्क्वायर और क्यूब भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये थी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको प्री में देखने नहीं मिलेगा, ये मेंस में देखने मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्री में नहीं देंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बात करें अगर इस सीरीज़ की, तो इस सीरीज़ में इंक्रीमेंट अगर देखें, अगर फर्स्ट टर्म को, ठीक है, तो ये नियर है 1 times के, ठीक है, 1 times के नियर है, बट ये 2 times माइनस वन है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉजिक देखने को नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो मल्टीप्लिकेशन लो, तो आप डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 0, ठीक है, ये प्लस 4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ से प्लस 18 27, ठीक है, ये हो रहा है प्लस 48 75, 27 + 48 = 75, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो अगर आप सेकंड डिफरेंस, ये तो फर्स्ट डिफरेंस था, अगर आप सेकंड डिफरेंस पे जाएंगे तो भी आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जब तक कि आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया ना हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है जीरो, फर्स्ट टर्म जो है जीरो बनाने के लिए आप अगर लगाएं 1 cube - 1 square, 1 cube - 1 square 0 होगा, 2 cube होता है 8 - 2 square 4 होगा, ठीक है, 3 cube 27 - 3 square 27 - 9 = 18 होगा, 4 cube की बात करें 64 - 4 square 16 = 48 होगा, तो इसी प्रकार आपका जो 5 cube होगा 20 - 5 square 25, ये आपका 100 होगा, ठीक है, 5 cube 125 - 5 square 100, ये आप ऐड कर देंगे तो आपको 175 आंसर मिल जाएगा। तो ये जो सीरीज़ थी वो क्यूब माइनस स्क्वायर सीरीज थी, डिफरेंस के बाद
क्यू माइनस स्क्वायर सीरीज। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये मैं इसमें पूछा जा सकता है आपसे, और यहाँ पे और भी कुछ लॉजिक लग सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का एक आधी क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जाएगा, बाकी जो भी होंगे डिफरेंस सीरीज या मल्टीप्लिकेशन के सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम प्री की बात करें तो आप पांचों क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो डायरेक्टली जो सीरीज दे रखी होगी उसमें मल्टीप्लिकेशन करके सेकंड टर्म सेकंड से थर्ड टर्म, थर्ड से फोर्थ टर्म, इस टाइप का आपका आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन की अगर कॉमन बात करें तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज में एक तो आपको इंक्रीमेंट एकदम से देखने मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको फोकस करनी है मल्टीप्लिकेशन में जो सेकंड टर्म है, ठीक है, जो सेकंड टर्म है वो कैसे आया, ठीक है। सेकंड टर्म अगर फर्स्ट के हाफ या फिर फर्स्ट के एक गुना हो या फिर दो गुना हो, तीन गुना, इस टाइप का आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंक्रीमेंट एकदम से देखने मिले या फिर जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से अगर बन रहा है या मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है। तो ये दो चीज़ देखें आप, ठीक है। तो बात करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 14, 7, 7, 14 और 56, ठीक है। तो सबसे बात करें सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म को अगर मल्टीप्लिकेशन हाफ में करें, ठीक है, तो 14 का हाफ होता है 7, 7 का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 में करें तो 7, 7 का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 में करें तो 14, और 14 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करें तो 56, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हाफ से हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, डबल, हाफ का डबल 1 से हुआ, 1 का डबल 2 से हुआ, तो 2 का डबल 4 से हुआ, तो 4 का डबल क्या होगा, 8, ठीक है। तो 56 का मल्टीप्लिकेशन 8 से करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखें आप, 4, 2, 2, 3, 6, 15 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो सेकंड टर्म अगर आप देखें, ठीक है, तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का हाफ के मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, हाफ का मल्टीप्लिकेशन है। फिर सेकंड टर्म की बात करें तो 1, 2 into 1, 2। थर्ड टर्म की बात करें तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1.5 से करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। फोर्थ टर्म की बात करें तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 का मल्टीप्लिकेशन 2.5 से करेंगे तो 15 मिलेगा। तो हो गया रहा है आधा, एक, डेढ़, दो, ढाई, मतलब 0.5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 0.5 बढ़ जाएगा 2 से, तो 3 मल्टीप्लिकेशन होगा 15 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 45, ठीक है। तो ये था लॉजिक क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है 5, 10, 13, 120 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से क्या हुआ, 2 में हुआ, ठीक है, 20, 5 into 2, 10, 10 का मल्टीप्लिकेशन 3 में हुआ, 13 का मल्टीप्लिकेशन 4 में हुआ, तो 120, तो 120 का मल्टीप्लिकेशन काय में होगा, 2, 3, 4 हो रहा है, तो अब काय में होगा, 5 में होगा, तो आपको क्वेश्चन मार्क यहां से मिल जाएगा। तो ये था सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो कि मल्टीप्लिकेशन से पूछा जा रहा है। इसमें मेनली जो हाफ 1, 2, 4, 8 और हाफ 1, 1.5, 2, इस तरीके का लॉजिक जो है अभी पूछा जा रहा है। AVPSPO की बात करें या फिर RRPO की बात करें, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के सेकंड टाइप, हाफ पैटर्न विद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ें, या तो इंक्रीमेंट एकदम से हो या फिर जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में क्या है, ठीक है। तो अब हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब बात करें हाफ पैटर्न विद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकंड टर्म की, ठीक है, तो सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म के हाफ के नियर है, हाफ के नियर हाफ का एडिशन है समथिंग, ठीक है। तो क्या है जो सेकंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन 0.5 में करें तो 6 into 0.5 आएगा 3, ठीक है, ऐड करें 0.5 का तो यहाँ से आपका आ जाता है 3.5। अब जो सेकंड टर्म है वो आ गया आपका 3.5, 3.5 into 1 करें, ठीक है, प्लस 1 करें तो ये आएगा आपका 4.5, ठीक है, 4.5, ठीक है, इंटू 2 करें, 9 plus 2 11, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए 0.5 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो 2 से होगा आप 4, ठीक है, प्लस 4 होगा, ये आपका आ जाएगा 48। तो 48 का मल्टीप्लिकेशन 4 का डबल 8 में करेंगे, ठीक है, प्लस 4 का डबल 8, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है लॉजिक हाफ पैटर्न विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, हाफ पैटर्न विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 6, 10, 19 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 6 का हाफ होता है आपका 12, का हाफ होता है 6, ठीक है, 12 into 0.5 plus 1, यहाँ से हो रहा है 7, ठीक है, 7 into 1, 7 minus 1 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, 6 into
1.5 1, तो 1.5 क्या होगा आपका 9, ठीक है, 9 + 1 10, ठीक है, 10 इंटू अब क्या हो रहा है 0.5 1 1.5, तो क्या होगा 2, 20 +1 -1 +1, तो क्या होगा -1, तो क्या होगा 19, ठीक है, तो 0.5 का मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ से आपका 19 × 2.5, ठीक है, और +1, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक होते हैं कुछ हाफ पैटर्न विद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन में दो ही चीज़ याद करनी आती है, सीरीज जो एकदम से इंक्रीमेंट हो, या फिर सीरीज में जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से किस तरीके से बन रहा है। अगर वो फर्स्ट टर्म के हाफ के नियर है या फुल के नियर है तो भी वो हाफ की मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो सकती है। तो ये आपको चेक करना पड़ता है, और इनको चेक करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगते हैं ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप जो है फुल पैटर्न सीरीज विद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में ही थर्ड टाइप का फुल पैटर्न सीरीज विद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हाफ पैटर्न चेक करने का, ठीक है, हाफ पैटर्न चेक कर लिया, उसके बाद हम बात करेंगे फुल पैटर्न की। तो फुल पैटर्न में पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, ठीक है, तो सेकंड में अगर आप देखें तो सेकंड टर्म जो है 1 के मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करें प्लस 2 करें तो अपन को मिल जाता है 5, ठीक है। तो फुल पैटर्न चेक करना है, तो फुल पैटर्न चेक करेंगे 3 × 1 + 2 5, ठीक है, 5 × 2 10 + 3 13, ठीक है, 13 × 1 2 हो गया, तो अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 39 + 4 43 43 × 4 + 5 177, ठीक है। तो अब वो क्या रहा है 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ऐड हो रहा है 2 3 4 5, ठीक है, तो अब क्या होगा 177 × 5 + 6, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपने क्या देखा, सेकंड टर्म जो था वो 3 × 1 के मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 था, ठीक है, तो इस तरीके से पूरी सीरीज क्रिएट हुई, ठीक है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कुछ लोग इसमें सबसे पहले जो उनके दिमाग में आएगा वो आएगा हाफ पैटर्न। अगर आप पुश करके इस वीडियो को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप पहले हाफ पैटर्न लगाएंगे, ठीक है, हाफ पैटर्न लगाएंगे, हाफ प्लस 2, हाफ करेंगे तो प्लस, हाफ करेंगे 3 का तो 3 + 1 4 होगा, ठीक है, 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे प्लस 1 करेंगे 5 होगा, ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 11 होगा, ठीक है, फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे जाके ये हाफ पैटर्न का लॉजिक फेल हो जाता है, ठीक है। तो दो तरीके से सीरीज में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपने हाफ पे फेल हो गए तो आप फुल पे जरूर चेक करें, ठीक है, ठीक है। तो हाफ पैटर्न का जब लॉजिक फेल हो गया है तो आप फुल जरूर चेक कर लें, ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करें -2 करें तो यहाँ से आपको 4 मिल जाता है, ठीक है। अब 4 का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो 8 मिलेगा, -3 करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन जो है आप, ठीक है, 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 में करें, ठीक है, तो 15 -4 आपको मिल जाएगा 11। अब हो क्या रहा है 11 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 3, तो 4 में करेंगे, माइनस का करेंगे 5 करेंगे, तो यहाँ से आपको 39 मिल जाएगा। इसी प्रकार 39 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करें, -6 करें, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें, इन दोनों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ पैटर्न और फुल पैटर्न, ठीक है। तो हाफ पैटर्न अगर लॉजिक आपका नहीं लग रहा है तो फुल पैटर्न जरूर चेक कर लें, इस सीरीज में वही होगा, ठीक है। अगर आप हाफ और फुल पैटर्न नहीं लगे तो उसके बाद डिफरेंस निकाल लें तो सीरीज डिफरेंस सीरीज होगी, ठीक है। तो ये था हमारा हाफ पैटर्न और फुल पैटर्न। अब एक और सीरीज इंपॉर्टेंट है, वो है अल्टरनेट सीरीज। तीसरी इंपॉर्टेंट सीरीज है अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। तो अल्टरनेट सीरीज कहाँ पे आपको लगाना है कि सीरीज अल्टरनेट हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी सीरीज में आपको इंक्रीमेंट देन डिक्रीमेंट फिर इंक्रीमेंट देन डिक्रीमेंट, इसी प्रकार आपको डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट इस टाइप का देखने मिले, मतलब पहले बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे, इसी प्रकार घटे बढ़े इस टाइप का देखने मिले, तो वो सीरीज अल्टरनेट सीरीज होती है, ठीक है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, 23 39 32 48 41, पहले बढ़ा फिर घटा, ठीक है, फिर बढ़ा फिर घटा फिर, ठीक है, तो ये सीरीज क्या होगी आपकी अल्टरनेट। तो अल्टरनेट सीरीज, तो अल्टरनेट टर्म देखने हैं, ठीक है, 23 से 32 32 से 41, ठीक है, इसी प्रकार 39 से 48, तो 48 से क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो 23 से 32, ठीक है, 23 से 32 ये हुआ आपका +9, ठीक है, 32 से 41 ये भी क्या हुआ +9, 39 से 48 ये क्या हुआ +9, तो 48 से +9 करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 57, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो 48 53 46 57 44 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 48 53 इंक्रीज, ठीक है, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये क्या है अल्टरनेट सीरीज। तो अल्टरनेट टर्म देखें,
ठीक है, इसी प्रकार 53 से 57 देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 48 से 46, 48 से 46 ये हुआ आपका माइनस टू, ठीक है, 46 से 44 ये भी हुआ माइनस टू, 53 से 47 ठीक है, ये क्या हुआ माइनस फोर, ठीक है, मतलब अल्टरनेटली माइनस टू हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस फोर, ठीक है, तो माइनस फोर तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 53, ठीक है। तो ये तीन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, पहली थी डिफरेंस सीरीज, दूसरी थी मल्टीप्लिकेशन सीरीज, तीसरी थी अल्टरनेट सीरीज, ठीक है, और तीनों सीरीज में मैंने अलग अलग वेराइटी के टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनका पेपर अभी आरआरबी क्लर्क होने वाला है, ठीक है, उनके लिए। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।